मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप लोगों के बीच पूरे, और मेरे वीडियो में जो भी गड़बड़ी हो कृपया कमेंट करके बताएं ताकि मैं सुधार करूं। तो चलिए ना देर करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत। आयरलैंड को एक बारिश से प्रभावित मुकाबले में हार संभालने के बाद डकवर्थ लुईस के चलते भारत को 5 रनों से जीत मिली है, जबकि इसी के साथ भारत बन गई है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद वो तीसरी टीम जिसने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप साल 2023 के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैसा रहा है ये मुकाबला, किस टीम से होगी सेमीफाइनल में भिड़ंत, इसके बारे में देंगे आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आज हमने देखा था मुकाबला जहां आयरलैंड के सामने भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 20 ओवर में स्मृति मंदना के अर्धशतक के चलते भारत ने जरूर 155 रन बोर्ड पे लगाए, लेकिन उसके बाद भारत के ऊपर आज बारिश के साथ साथ किस्मत भी मेहरबान रही है, जहां 8.2 ओवर में आयरलैंड ने बल्लेबाजी के साथ बनाए थे 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन उसके बाद मैदान पे एक मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ और उसके बाद उस बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया, जिसके चलते डकवर्थ लुईस के तहत भारत 8.2 ओवर के बाद भारत ने 59 रन बनाए थे और आयरलैंड के थे 54, जिसके चलते भारत उनसे 5 रन आगे था और इसी के साथ भारत ने जीत दर्ज करते हुए अब 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है और भारत है 2 नंबर पर। पहले पर है इंग्लैंड और बेहतर नेट रन रेट के चलते इंग्लैंड नंबर 1 पर रहेगा, भारत नंबर 2 पर रहेगा और भारत बनी है वो तीसरी टीम जिसने क्वालिफाई कर लिया है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। अब बड़ी बात है कि भारत का सेमीफाइनल किस टीम के साथ और कब खेला जाएगा, तो आपको बता दिया जाए भारत का सेमीफाइनल आने वाली 23 फरवरी को खेला जाएगा ग्रुप ए की नंबर 1 टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ। याद करवा दें ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जिसने बीते कुछ सालों में भारत को नॉकआउट मुकाबलों में बाहर करने का